नमस्कार, देवभूमि आई एस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है उत्तराखंड में आगामी जो एलटी का एग्जाम होने जा रहा है, जुलाई में इसकी संभावित डेट है, उसके मद्देनज़र जो उसका पार्ट फर्स्ट है, पार्ट वन, जिसमें पेडागोजी के अलावा रीजनिंग और उत्तराखंड का जनरल स्टडीज है और कुछ भारत के जनरल स्टडीज से संबंधित टॉपिक है, उसको कवर करने आए हैं हम। और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। उत्तराखंड एलटी में जिनके अपने सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हैं, उन लोगों के लिए अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा ये। और मैं यहाँ पर पहली बार एलटी के फर्स्ट पार्ट के लिए पेडागोजी की क्लास लेने आया हूँ, और इसी के साथ साथ उत्तराखंड जनरल स्टडीज़ के भी कुछ विशेष पार्ट यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूँगा। और बहुत ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास यहाँ पर भी और आपके एलटी के लिए भी, चलिए शुरुआत कर देता हूँ फटाफट से। ये है मेरा एलटी परीक्षा 2024 का पहला पार्ट का, यानी पेडागोजी की पहली यूनिट आपके सामने रखी हुई है। शिक्षा और दर्शन, एजुकेशन एंड फिलोसफी, ये आप लोग पढ़ भी रहे होंगे अभी फिलहाल। और मैं चाहता हूं कि सारी बुक्स का कलेक्शन आपके पास रख दूं ताकि आपको बहुत सारी बुक्स को स्टडी न करना पड़े। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग यहाँ पर हल्द्वानी में देवभूमि आईएएस एकेडमी के हल्द्वानी संस्थान में इसकी ऑफलाइन क्लासेज आजकल ले रहे हैं, और सुबह 11:15 से 1:30-2 बजे तक ये क्लास चल रही है। लेकिन इससे भी पहले एक चीज़ और बता दूँ आपको कि पेडागोजी, रीजनिंग और उत्तराखंड, ये तो हम लोग खुद ही पढ़ा रहे हैं। और इसके अलावा जैसे उत्तराखंड में क्या बुक पढ़ी जाए, बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज करते हैं, तो इसके लिए मैंने उत्तराखंड की बुक जो कि मैंने खुद लिखी है, और ये उत्तराखंड की बुक उत्तराखंड ऑल इन वन नाम से जो आपके सामने होगी मार्केट में मिल जाएगी आपको, इसमें वन बाय वन जैसे उत्तराखंड के एलटी का सिलेबस है कि उसका प्रशासन कैसे कवर किया जाए, तो उसमें सबसे पहले टॉपिक के हिसाब से हमें थोड़ा सा उत्तराखंड की जनरल अवेयरनेस यानी उत्तराखंड राज्य दिवस और इसके अलावा कवर कर रखे हैं। और फिर यहाँ पर उसके उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह के साथ सबसे पहले उत्तराखंड राज्य की स्थिति और भौगोलिक संरचना है, ये प्रारूप है उत्तराखंड का, इसको आपको देखना पड़ेगा। और फिर इसके से उत्तराखंड के कौन से ज़िले कितने ज़िलों से सीमा बनाते हैं, उसका विस्तार कितना है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरा एक्सप्लेन है इसमें। और दूसरा जो टॉपिक है उत्तराखंड का राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा, ये भी इसमें है। ये उत्तराखंड के प्रारूप के पार्ट है, सिलेबस में आपको बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ है, इसलिए आप ये मत समझना कि उत्तराखंड में बहुत कम है मैटर, पूरी तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा उत्तराखंड, ये ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा जनगणना 2011 का टॉपिक है, ये देखिए उत्तराखंड जनगणना 2011, इसको भी आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। हालांकि मैं भी यहाँ पर कुछ विशेष टॉपिक उत्तराखंड के लेके आऊँगा, और बहुत कम शब्दों में आपको अच्छे से अच्छी व्याख्या करने की कोशिश करूँगा। और उत्तराखंड के लिए कोई भी एक बुक जिसमें उत्तराखंड का इतिहास पूरी तरह से हो, चूँकि उत्तराखंड का इतिहास पूरे सिलेबस में मेंशन करा हुआ है, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री, इसलिए अच्छी तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें इतिहास की एक एक लिस्ट ए टू जेड है, और उसके अलावा भूगोल के सारे पार्ट है और करंट अपडेट्स है, इसीलिए स्वाभाविक है मैं इस बुक के बारे में आपको बता रहा हूँ। और उसके अलावा पेडागोजी और रीजनिंग, रीजनिंग हम लोगों की यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, और पेडागोजी को मैं खुद कवर करने आया हूँ। तो आज शुरुआत करता हूँ पहले ही टॉपिक से, बहुत ज़्यादा समय की उम्मीद नहीं कर सकते हम लोग। सबसे पहले ये है आपका पहला टॉपिक, तो ये भी यूनिट वन का है पहला टॉपिक, तो आपको यहां पर लिख देता हूं यूनिट फर्स्ट का पहला ही टॉपिक है शिक्षा और दर्शन, एजुकेशन एंड फिलोसफी, कैसे इसको कंप्लीट टॉपिक को एक साथ लाया जाए। सबसे पहले शिक्षा क्या है, फिर दर्शन क्या है, दोनों को समझने की कोशिश होगी। सबसे पहले आए शिक्षा। शिक्षा क्या है, मानव विकास का मूल साधन है, मानव के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है, ये आप भी जानते हैं, तो इसको थ्योरी को रटने की जरूरत नहीं है। इसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास होता है, उसके ज्ञान और उसके कौशल स्किल में वृद्धि होती है, तथा व्यवहार में परिवर्तन होता है। शिक्षा मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन करती है, उसका स्किल डेवलप करती है, उसका विकास करती है, उसका संपूर्ण विकास करती है, आंतरिक शक्तियों की को आगे लाने का काम करती है, शिक्षा ही है। लेकिन शिक्षा के अर्थ की बात करें, हमारे संस्कृत भाषा में शिक्षा का अर्थ क्या है और पाश्चात्य सभ्यता में शिक्षा का अर्थ क्या है, ये भी यहाँ पर एक्सप्लेन होगा। सबसे पहले संस्कृत भाषा में शिक्षा का मतलब है शिक्ष धातु से बना हुआ है, इसमें अप्रत्यय यानी शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगने से शिक्ष ऐसे, इसमें प्लस अप्रत्यय लगा हुआ है शिक्षा,
तब बनेगा। इससे बनाया, इसका मतलब है, कह रहा है सीखना या सिखाना, मतलब इसका मतलब शिक्षा क्या है, सीखना है खुद और सिखाना है। तो चाहे शिक्षण कार्य करा रहे अध्यापक हों या शिक्षण कार्य कर रहे हुए विद्यार्थी हों, कहीं ना कहीं शिक्षा से लाभान्वित हो रहे हैं। इसका मतलब शिक्षा का अर्थ क्या हुआ, सीखना और सिखाना, ये हमारी संस्कृत भाषा में इसका अर्थ निकला। ऐसे ही अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन से इसका मतलब है अर्थ, तो उसका मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि ये औपचारिकता टाइप की है। एक शुरुआत में अंग्रेजी शब्द एजुकेशन लैटिन भाषा के शब्द एजुकेटम से निर्मित है, हर जगह यही पढ़ रहे होंगे आप, जहां ई का मतलब है आंतरिक और ड्यूको का मतलब है आगे बढ़ना, मतलब मनुष्य की भीतर की क्षमताओं का विकास करना, उसे कहते हैं एजुकेटम। ठीक है, तो यहां पर हमने कहा था सीखना और सिखाना, और अंग्रेजी भाषा में या पाश्चात्य शिक्षा में एजुकेटम मतलब मनुष्य की आंतरिक या भीतर की क्षमताओं का विकास। चलिए, हमसे कोई पूछे शिक्षा क्या है तो हम क्या कहेंगे, शिक्षा वो है, शिक्षा अगर मार्ग न दिखाए तो अर्थहीन है, शिक्षा हमें मार्ग दिखाती है। दूसरा, शिक्षा दर्शन के निर्माण की आधारशिला है। अगर आपसे पूछे शिक्षा क्या है, शिक्षा अविरत प्रक्रिया है, दिन रात हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया, ये वैसे स्टेटमेंट टाइप का है, शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, इसमें दो ध्रुव कौन से होते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी, ये स्टेटमेंट है जॉन एडम्स जी का, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। अगर शिक्षा के कुछ खास पॉइंट्स कीवर्ड्स आपको चाहिए तो शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, शिक्षक और शिक्षार्थी उसके दो भाग है, और ये स्टेटमेंट है जॉन एडम्स का। दूसरा, शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया अगर कोई कहता है तो उसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम यानी समाज का एक महत्वपूर्ण भाग, और ये स्टेटमेंट है जॉन डेवी का। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट क्लियर है। अच्छा, तीसरा, शिक्षा दर्शन का व्यवहारिक तथा गतिशील पक्ष है, यह है एडम्स का स्टेटमेंट। फिर से एडम्स के अलावा और भी बहुत सारे शिक्षाविदों ने यह स्टेटमेंट बोला है, शिक्षा दर्शन का गतिशील पक्ष या गत्यात्मक पक्ष है, इस पर भी हम आएंगे, लेकिन फिलहाल हमसे कोई शिक्षा पूछे तो शिक्षा एक अविरत प्रक्रिया है, शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, शिक्षा दर्शन का व्यवहारिक तथा गतिशील पक्ष है, शिक्षा दर्शन के निर्माण की आधारशिला है, शिक्षा अगर मार्ग ने दिखाए तो व्यर्थहीन है, यह है शिक्षा। तो बहुत सारी चीजों से हमें शिक्षा का मतलब समझ में आया। चलिए आगे बढ़ जाता हूं, कुछ परिभाषाएं जो ट्रेडिशनल हैं उन्हें हमें पढ़ना पड़ेगा, भारतीय शिक्षाविदों की और पाश्चात्य शिक्षाविदों की। सबसे पहले जो परिभाषा यहां पर दिख रही है वह है महात्मा गांधी जी की, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर मन और आत्मा का सर्वोत्कृष्ट तथा सर्वांगीण विकास है। स्टेटमेंट है, रटना पड़ेगा आपको, महात्मा गांधी का है, इसमें कोई शॉर्टकट से नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा, शरीर मन और आत्मा का सर्वोत्कृष्ट विकास, ये है गांधी, महात्मा गांधी। ठीक है, और महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा के बारे में आप अच्छी तरह से परिचित हैं, किस प्रकार उन्होंने प्रोफेशनल एजुकेशन के अलावा बुनियादी शिक्षा स्किल डेवलपमेंट की बात कह दी थी उस समय, बहुत पहले। चलिए नेक्स्ट, दूसरा स्टेटमेंट आ रहा है, व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों को प्रकट करना ही वास्तविक शिक्षा है, ये स्वामी विवेकानंद का है। विवेकानंद ने अपने दर्शन में, अपनी फिलॉसफी में, अपने सिद्धांत में कई बात कहा था कि मानवता वही है जो मानवता के लिए काम करे, और मानवता वही है जो शैक्षिक दर्शन के सिद्धांत पर काम करे। हमें मानवता को वही ले जाना है जहां जहां न वेद है, न कुरान, न बाइबिल, न ईसा मसीह, न धर्म, न ऊंच नीच, ये सब महात्मा स्वामी विवेकानंद का कहना है। और शिक्षा से संबंधित उनका स्टेटमेंट, व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों का प्रकट करना ही शिक्षा है। चलिए क्लियर है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है तीसरा, व्यक्ति के समन्वित विकास को शिक्षा कहा जाता है, ये महात्मा बुद्ध का स्टेटमेंट है, भगवान बुद्ध यानी बुद्ध काल में, क्योंकि दर्शन में बुद्ध को भी हमें समझना होगा, तो व्यक्ति के समन्वित विकास कंप्लीट डेवलपमेंट को शिक्षा कहा जाता है, ये कहना है बुद्ध का। नेक्स्ट है, शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिसके की वे योग्य है। प्लेटो, यूनानी दार्शनिक प्लेटो जो कि सुकरात के शिष्य हैं, शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को पूर्णतया वह पूर्णता प्रदान करना है जिसके कि वे योग्य है। और एक इंपॉर्टेंट परिभाषा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है, ये कहना है अरस्तु का। ठीक है, अरिस्टोटल का कहना है, ये भी यूनानी है, प्लेटो के बाद अरस्तु का नंबर आया था, और सबसे पहले सुकरात,
सबसे पहले सुकरात, फिर प्लेटो, फिर अरस्तु, ये तीन शिष्य परंपरा जो चलती रही, सुकरात के बाद प्लेटो और उनके बाद अरस्तु, उसके बाद सिकंदर, ये इनके शिष्य थे, सिकंदर महान, सब यूनान के लोग हैं। चलिए और एक स्टेटमेंट दिख रहा है यहाँ पर, शिक्षा की जड़ कड़वी तथा फल मीठा होता है, ये स्टेटमेंट फिर से मिला हमें, ये है अरस्तु का। तो प्लेटो और अरस्तु के बहुत सारे स्टेटमेंट यहाँ पर दिख रहे हैं। एक्चुअली शिक्षा को पूरी तरह से एक आधुनिक तरीके से समझाने का काम पाश्चात्य शिक्षाविदों का है, लेकिन शिक्षा के दर्शन की जो मूलभूत विचारधारा आई भारत से इसका उद्भव हुआ है, और भारत और यूनान आपस में शिक्षा और दर्शन के समन्वय से उभरने वाले देश थे। तो ये दो भारतीय और यूनानी, अच्छा, शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने तथा अपनी संभावना को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करे, यह है जॉन डीवी, इंपोर्टेंट होगा जॉन डीवी का स्टेटमेंट भी, इसलिए ध्यान रखना होगा। और लास्ट है नेल्सन मंडेला, व्यवहारिक पक्ष उन्होंने शिक्षा का रखा है, शिक्षा एक ऐसा शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड, जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं, ये कहना है नेल्सन मंडेला, शिक्षा एक ऐसा शक्तिशाली हथियार है। तो ये बहुत सारे शिक्षाविदों के स्टेटमेंट पढ़े हमने, खासकर जॉन डीवी, अरस्तु, नेल्सन मंडेला के, स्वामी विवेकानंद, भगवान बुद्ध के और महात्मा गांधी के, तो भारतीय और पाश्चात्य दार्शनिक सभी थे इसमें। तो ये था शिक्षा की खास खास बातें। दूसरा पार्ट है इसका दर्शन, बहुत ज़्यादा शिक्षा और दर्शन में उलझने की जरूरत नहीं है, आपका लक्ष्य अभी एलटी का सिलेबस पूरा करना एनी हाउ, ठीक है, तो इसलिए हर हालत में हमारी स्पीड ठीक ठाक रहेगी यहाँ पर, ताकि पूरा मैटर एक ही क्लास में आ जाए। चलिए दूसरा है दर्शन, दर्शन क्या है अगर आता है तो ये चार बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये चार पांच छह बात, क्या क्या, दर्शन मनुष्य के चिंतन की उच्चतम सीमा है, दर्शन हमारा चिंतन है, शिक्षा हमने जो किया वो है कार्य है, दर्शन हमारा चिंतन है, हमारी सोच है ना, वास्तविकता और सत्य की खोज है दर्शन, क्योंकि शिक्षा से हम कर तो सकते हैं लेकिन बिना दर्शन के नहीं कर सकते, दर्शन वास्तविकता की खोज है और सत्य की खोज है, दर्शन कला के साथ साथ विज्ञान है, दर्शन एक बौद्धिक खोज है और दर्शन ज्ञान का प्रेम है, और भारतीय संदर्भ में दर्शन देखा जाए तो दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अच्छा दर्शन वह है जिसके द्वारा दिखाई दे, तो भारतीय संदर्भ में भी दर्शन को अलग से, ये तो मैं दर्शन के कुछ खास पॉइंट, अगर आपको दर्शन के बारे में बोलना पड़े क्या है दर्शन तो आप कहेंगे कला के साथ विज्ञान है दर्शन, एक बौद्धिक खोज है दर्शन, ज्ञान का प्रेम है दर्शन, चिंतन की उच्चतम सीमा है दर्शन, सत्य की खोज और वास्तविकता की खोज है दर्शन, ये खास खास बातें थी। अच्छा भारतीय संदर्भ में दर्शन को समझाया गया जिन लोगों ने, उन्होंने ये कहा कि दृश्यते अनेन इति दर्शनम, दर्शन वह है जिसके द्वारा दिखाई दे, सत्य दिखाई दे, वास्तविकता दिखाई दे, शिक्षा दिखाई दे। अच्छा भारतीय दर्शन का आधार कहां से मिला, तो सबसे पहले मूलभूत स्रोत वेद हैं, वेद में भी ऋग्वेद और उपनिषद हैं, आरण्यक हैं, षट दर्शन हैं, वेदांग, ये भारतीय दर्शन के आधार हैं, लेकिन भारतीय दर्शन का मूलभूत आधार पूछे तो आप कहोगे वेद, और वेद में भी पूछे कौन सा तो ऋग्वेद, प्राचीनतम वेद ऋग्वेद, और ऋग्वेद को आपको पता है आयुर्वेद भी कहते हैं या इसका उपवेद है आयुर्वेद, और इसी ऋग्वेद पर बहुत सारे ब्राह्मण लिखे गए जैसे ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण, कौशितकी ये आप भी जानते हैं, ऐतरेय ऋग्वेद के दो ब्राह्मण थे ऐतरेय और कौशितकी, तो ये ऋग्वेद प्राचीनतम दर्शन का आधार है हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें क्या है, जहां तक भारतीय दर्शन की बात है, वैसे हमारा मूल उद्देश्य यहां पर प्राचीनतम पाश्चात्य दर्शन को समझना होगा, लेकिन यहां पर बिना भारतीय दर्शन को समझे हुए हम पाश्चात्य दर्शन तक नहीं जाएंगे। तो भारतीय दर्शन के नौ वर्ग हैं यहाँ पर, जिनमें से षड दर्शन भी शामिल हैं जो वेदों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, लेकिन मीमांसा और सांख्य ईश्वर की सृष्टिकर्ता नहीं मानते। तो कुछ चीज़ें जो यहाँ पर लिखा हुआ है थोड़ा सा ध्यान से, इसे कुल मिला के भारतीय दर्शन के कितने वर्ग हैं, तो नौ, उनमें से षड दर्शन तो ये हैं, और षड दर्शन आपको पता ही है क्या क्या है, तो कौन से हैं षड दर्शन, सांख्य कपिल मुनि इसके जनक हैं, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम, वैशेषिक दर्शन कणाद ऋषि, और उत्तर मीमांसा या वेदांत इसे कहते हैं वादरायण, और पूर्व मीमांसा जयमिनि, ये सब आपने पढ़ा होता है, और ये वैसे भी याद रखना, मैच्ड कॉलम करके क्वेश्चन बना सकता है।
लेकिन यहाँ पर टोटल 9 दर्शन माने जाते हैं, जिनमें षड़ दर्शन भी शामिल है, जो वेदों के अस्तित्व, ये सब के सब क्या करते हैं, वेदों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, वेदों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। ध्यान रखिएगा, षड़ दर्शन वेदों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। अगर वे वेदों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं तो ईश्वर आत्मा पुनर्जन्म वगैरह पर विश्वास करते होंगे, तय है, षड़ दर्शन की बात बता रहा हूं। लेकिन फिर भी उन्होंने वैदिक परंपरा से इतर कुछ अन्य कुछ करके दिखाया, जैसे योग दर्शन पतंजलि का था, तो उन्होंने योग के माध्यम से निरोग रहने का सिद्धांत दिया, अपने आप में काबिले तारीफ था और ऐतिहासिक था और प्रासंगिक था। तो ऐसे ही सबके अपने अपने मूलभूत सिद्धांत है। लेकिन और चीज जो दूसरी लाइन लिखी हुई है, मीमांसा और सांख्य ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं मानते, मतलब वो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, ये तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन मीमांसा और सांख्य दर्शन खासकर ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं मानते, तो इसका मतलब वो इनकी प्रमाणिकता पर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। केवल मीमांसा की बात करूंगा तो, या फिर उत्तर और दक्षिण पूर्व मीमांसा और सांख्य दर्शन की बात, इनमें से ये जो एक है ए और ये थोड़ा सा ईश्वर के सृष्टिकर्ता नहीं मानते, जबकि अन्य जो है तीन वो ईश्वर को सृष्टिकर्ता मानते हैं, ईश्वर आत्मा पुनर्जन्म वगैरह सबको मानते हैं। ऐसे ही बौद्ध दर्शन जो इन छह के अलावा है, उसमें एक है बौद्ध दर्शन महात्मा बुद्ध का, वेदों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। ध्यान रखिएगा, क्योंकि वे महात्मा बुद्ध को मानते हैं तो वेदों के अस्तित्व को स्वीकार क्यों करेंगे, उन्होंने तो चार आर्य सत्य की बात कही, सुख दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये चार आर्य सत्य हैं। त्रिरत्न की बात की, बुद्ध धम्म और संघ त्रिरत्न की बात की, अष्टांगिक मार्ग की बात की, कर्म और पुनर्जन्म की बात कही, पवज्या यानी अपना शिक्षा के लिए अपना घर छोड़ना, उपसंपदा गुरुओं के करीब आ जाना, इनकी बातें कही उन्होंने बौद्ध दर्शन में। तो उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने बल्कि महात्मा बुद्ध को ही ईश्वर माना है। तो जैन दर्शन क्या कहता है, वेदों के अस्तित्व को स्वीकार, ये भी वेदों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, बल्कि आत्मा और पदार्थ, अनेकांतवाद, कर्म और पुनर्जन्म, पांच व्रत, त्रिरत्न, इन चीजों पर विश्वास करते हैं। ऐसा ही था चारवाक, वेदों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता चारवाक भी, और चारवाक के जनक भी चारवाक ही हैं, चारवाक दर्शन, वो भी सभी धर्म से अच्छी अच्छी बातों के संग्रह की बात करते हैं। तो ये थे वो टोटल 9, जिनमें से तीन षड़दर्शन, छह षड़दर्शन थे जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, लेकिन उसमें भी मीमांसा और सांख्य दर्शन थोड़ा हटके थे, और तीन बौद्ध दर्शन जो ईश्वर के अस्तित्व को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते, वो थे बौद्ध, जैन और चारवाक। चलिए, इसके अलावा वेदांग, जहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है, उसको कवर करने की कोशिश हुई है। वेदांग छह वेदों के अंग कहते थे इनको, कल्प, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष कहते हैं इनको। तो एक बार यहाँ पर आपके सामने रखता हूँ इसे फिर से, वेदांग के अंग, तो कल्प वेदों के हाथ हैं, शिक्षा नासिका है, व्याकरण मुख है, निरुक्त हाथ है और छंद पैर हैं, ज्योतिष आँख है, और बस ये छह और है। तो छह वेदांग कौन कौन से पूछे, मैच द कॉलम करें, तो कल्प, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इसमें से एक विद्वान व्यक्ति की कल्पना की गई है जो वेदों का ज्ञाता हो, तो उसके शरीर के अंगों से तुलना करके, कल्प उसके हाथ हैं, शिक्षा उसकी नासिका, व्याकरण उसका मुख, निरुक्त उसके हाथ, छंद उसके पांव और ज्योतिष की आँख। इसके अलावा जो और दर्शन की विचारधाराएं भारत में देखने को मिलती है, वह है शून्यवाद और नागार्जुन का, और विज्ञानवाद मैत्रेयनाथ का, ये भी आपने सुना होगा। ये अपने आप में एक बड़ी विचारधारा है, जब बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बटेगा और जैन धर्म दो संप्रदायों में बटेगा, खासकर बौद्ध धर्म को लेकर ये हुआ था। बौद्ध धर्म जब दो संप्रदायों में बटा तो उसकी अलग अलग विचारधाराएं थी, एक तो रूढ़िवादी था, स्थविरवादी जिन्हें हीनयानी कहते हम लोग, और दूसरा था महायानी, महायान बौद्ध धर्म जो थोड़ा परिवर्तन को स्वीकार कर रहे थे। उसके बाद भी हीनयान भी दो भागों बढ़ गया, महायान भी दो भागों बढ़ गया, उन्हीं में से महायानी परंपरा के अंतर्गत आए शून्यवाद, जो कि नागार्जुन पहली सदी में चीन जाकर बौद्ध चीनी ग्रंथ का, मतलब बौद्ध ग्रंथ का चीनी भाषा में अनुवाद किया था नागार्जुन ने, इनका अपना सिद्धांत है शून्यवाद, और फिर विज्ञानवाद मैत्रेयनाथ का। तो ये दो बड़े नाम भी आपने सुनने हैं। दर्शन की एक एक विचारधारा पर काम कर रहे हैं हम लोग अभी फिलहाल, लेकिन भारतीय दर्शन के आदि पुरुष कहा जाए भारतीय दर्शन के, तो यहाँ पर शंकराचार्य का जिक्र भी होता है। मतलब इनसे पहले तो दर्शन आ ही गया था, लेकिन वो अलग अलग प्रकार के थे, षड़ दर्शन वगैरह ये सब। अब भारतीय दर्शन के आदि पुरुष शंकराचार्य माने जाते हैं, तो शंकराचार्य अद्वैतवादी है, ये ध्यान रखना आपने। ब्रह्मा को यानी
अद्वैतवाद मतलब दो ईश्वर नहीं एक, यानी एकेश्वरवाद, एक ही ईश्वर है, एकेश्वरवाद की व्याख्या। कहीं यहां से भी प्रश्न उठाएगा तो मैच द कॉलम वाला, अद्वैतवादी शंकराचार्य है तो द्वैतवादी कौन है? मध्वाचार्य। उन्होंने ब्रह्मा ईश्वर तथा संसार की बात की, यानी दो द्वैतवाद। और तीसरा है द्वैताद्वैत, इसे भेदाभेद भी कह सकते हैं। निम्बकाचार्य है इसको मानने वाले, इसके जनक। इसमें भेद तथा अभेद, अभेद मतलब जीवात्मा और ब्रह्मा की बात की गई है। भेद तथा अभेद यानी भेदाभेद, जीवात्मा अभेद है और ब्रह्मा ईश्वर, अपने अपने मूलभूत सिद्धांतों से। अच्छा, शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य का है, इन्होंने ब्रह्मा सत्य तथा चित्त शुद्ध चेतना की बात कही है, दोनों का सार एक ही है कहा, इसलिए शुद्धाद्वैत का कंसेप्ट दिया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि हमारे टॉपिक का पूरी तरह पार्ट नहीं है, इसलिए केवल नाम सुनना था। मैच द कॉलम अगर प्रश्न आ जाए तो कर लेंगे। विशिष्टाद्वैत के जनक हैं रामानुजाचार्य, ब्रह्मा आत्मा और प्रकृति तथा पदार्थ की बात कही उन्होंने विशिष्टाद्वैत। तो सबके जनक आपसे प्रश्न पूछेगा तो आप कवर कर जाओगे। आगे बढ़ना है हमने सीधे। इसके अलावा जब मध्यकाल और आधुनिक काल में दर्शन से संबंधित कोई विचार, कोई ऐसा भाव किसी ने व्यक्त किया है, वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सर्वपल्ली राधाकृष्ण महान शिक्षाविद रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास में, और ऊंचे ऊंचे पदों को प्राप्त किया उन्होंने, और सर्वपल्ली राधाकृष्ण उन्हीं का स्टेटमेंट था ये। अब पाश्चात्य दर्शन की बात कर रहा हूँ, ये तो भारतीय दर्शन की बात चली थी। पाश्चात्य दर्शन की बात की जाए तो ये जो दर्शन शब्द है ना, फिलॉसफी, तो फिलॉस प्लस सोफिया से निकला हुआ है, तो मतलब प्रेम, फिलॉस यानी प्रेम, सोफिया यानी ज्ञान, मतलब है ज्ञान के प्रति प्रेम, अनुराग या विश्वास, इसका मतलब ये निकला। डेफिनेशन की बात है तो दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है, अतः ज्ञान के प्रति प्रेम, अनुराग, ज्ञान प्राप्ति ही दर्शन है। ये एक औपचारिक परिभाषा है, परिभाषा रटने की जरूरत होती नहीं आपको पता है, लेकिन आपको एक कंप्लीट मैटर चाहिए था, इस वजह से मुझे ऐसे सेट करना पड़ा है। अच्छा, दर्शन शब्द का प्रयोग, मैंने कहा वैसे दर्शन तो भारत की देन है, लेकिन पाश्चात्य दर्शन का प्रयोग यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस, हालांकि इसमें बड़े बड़े नाम हैं, जैसे थेल्स भी एक नाम है, थेल्स, चूंकि दर्शन की मूलभूत उत्पत्ति थेल्स से ही मानी जाती है, ये भी यूनानी है, लेकिन दर्शन शब्द की बात कर रहा हूं मैं। इस शब्द को सबसे पहले गढ़ा पाइथागोरस, पाइथागोरस की प्रमेय आपने सुनी होगी, आपको लगेगा पाइथागोरस गणितज्ञ थे, हाँ वो गणितज्ञ थे, लेकिन उस समय गणित भी ना सिद्धांतों पर आधारित थे, इसीलिए ये शब्द आया है। दर्शन शब्द किसने गढ़ा है तो पाइथागोरस ने, ये भी यूनान के, लेकिन इस थेल्स ने सबसे पहले इसके बीज को, इसकी बात कही थी सबसे पहले, इन सब दर्शन शब्द का प्रयोग सबसे पहले पाइथागोरस ने किया था, लेकिन थेल्स ने भी इस बात को समझा रखा है। और भी बहुत सारे नाम आएंगे, अभी बहुत सारे कुछ दार्शनिक आएंगे यहाँ डिटेल के साथ, लेकिन हमें दर्शन जो पाश्चात्य दर्शन है उसकी स्टेटमेंट, ये जो लिखे हैं परिभाषाएं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखते हैं क्या है। दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, फिस्टे, दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, कामटे, सीधा रटने वाला टॉपिक है, कोई टाइम वेस्ट नहीं। दर्शन विज्ञानों का समन्वय या विश्वव्यापक विज्ञान है, हर्बर्ट स्पेंसर, और पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को जानना दर्शन कहलाता है, प्लेटो द रिपब्लिक उनकी पुस्तक है, उसमें इन्होंने ये बात कही है। तो चार महत्वपूर्ण परिभाषाएं या स्टेटमेंट आपको मिले हैं यहाँ पर दर्शन से संबंधित, वो भी पाश्चात्य। और प्लेटो का शैक्षिक दर्शन एक आदर्शवादी गणराज्य की दृष्टि पर आधारित है, ये एक लाइन है, इसको ध्यान रखना है। प्लेटो क्या कहते हैं, जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने तथा नई नई बातों को जानने हेतु रुचि रखता हो और कभी संतुष्ट नहीं होता, वही दार्शनिक है। तो दर्शन को जो समझता हो वही दार्शनिक है, जो नई नई चीज़ों में रुचि रखता हो, कभी उसके ज्ञान की पूर्ति न होती हो और कभी उसका मन न भरता हो, वो सब दार्शनिक है। चलो प्लेटो पर भी जाएंगे हम, लेकिन दर्शन के तीन महत्वपूर्ण तत्व देख लेते हैं यहाँ पर। दर्शन की शाखाएं लिखे कहीं किसी किताब में, तत्व लिखे सब चलेगा। भारतीय दर्शन के वैसे तीन तत्व हैं मेनली, और पाश्चात्य दर्शन के वर्तमान में पांच प्रमुख तत्व हैं मूलभूत। तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स क्या है, जैसे भारतीय दर्शन की बात कर रहा हूँ, तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स इसे कहते हैं, दर्शन की मुख्य शाखा इसे माना जाता है। ये क्या, वास्तविकता को आधार मानता है, जैसे आत्मा, ईश्वर, ब्रह्मांड, ये सब मानता है तत्व मीमांसा।
ज्ञान मीमांसा देखते हैं क्या है, एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा दर्शन की मौलिक शाखा है, मौलिक वैज्ञानिक कारण को आधार मानता है, यानी वैज्ञानिक कारण को आधार मानता है, जबकि ये वास्तविकता को आधार मानता है। ये सब समझना होगा आपको। तत्व मीमांसा वास्तविकता को आधार मानता है, मतलब आत्मा, ईश्वर, ब्रह्मांड, परमात्मा, ये सब इनको मानता है, लेकिन ये वैज्ञानिक कारणों को ज्यादा आधार मानता है। हालांकि ज्ञान मीमांसा के कई आस्पेक्ट है यहाँ पर, जैसे ज्ञान मीमांसा ने तर्क दे रखे कि अनुभववाद, जैसे चार्वाक थे ये भी ज्ञान मीमांसा को मानते थे, लेकिन अनुभववादी टाइप के थे। ज्ञान का एकमात्र स्रोत इंद्रिय अनुभव कहते थे वो, जो चीज इंद्रियों से अनुभव है वो ज्ञान है, ये कहते थे वो ज्ञान मीमांसा में है, न कि ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म, नरक, स्वर्ग, इसको नहीं मानते थे। ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म, नरक, स्वर्ग ये नहीं मानते थे, बल्कि इंद्रिय अनुभव को सत्य मानते थे चार्वाक, और इसलिए अनुभववादी है ज्ञान मीमांसा के तर्क हैं ये तीन। उसमें पहला था अनुभववाद, दूसरा तर्कवाद, अनुमान को प्राथमिक और इंद्रिय धारणा को अधीनस्थ मानते हैं। बस इसमें अनुमान सबसे प्राथमिक है, ज्ञान के आधार पर अनुमान लगाना, और इंद्रिय धारणा को अधीनस्थ मानते हैं, इंद्रिय धारणा दूसरे स्थान पर मानते हो। जैसे उदाहरण दे रखा है यहां पर, कैसे, जहां धुआं है, जैसे एक स्टेटमेंट आ रहा है, जहां धुआं है वहां आग है, मतलब कहीं पर धुआं आया है तो पक्का आग लगी होगी, ये अनुमान है एक हिसाब से, यहां अनुमान को प्राथमिक मानता है। तो इसलिए मीमांसा, वेदांत, जैन ये सब तर्कवाद को आधार मानते हैं हमारे वहां। और अधिनायकवाद की बात की जाए तो धारणाएं और अनुमान अनुभवजन्य दुनिया के बारे में सही हो सकते हैं, ये भी धारणाएं और अनुमान पर आधारित है। अधिनायकवाद ये अनुमान लगाते कि ऐसा हो सकता है। तो कुल मिला के ज्ञान मीमांसा के तीन तर्क थे, अनुभववाद चार्वाक है जो, तर्कवाद जो कि मीमांसा, वेदांत और जैन मानते हैं, अधिनायकवाद जो कि धारणा और अनुमानों को सही मान सकते हैं। अच्छा, ऐसे ही तीसरा स्थान है आचार संहिता का, इसे कहते हैं मूल्य संहिता या इथिक्स, इस शब्द इसके लिए यूज हो रहा है। नैतिकता, शुभ अशुभ, दुख सुख, अच्छा बुरा, इसको आधार मानते हैं। तो अगर अलग से पूछे प्रश्न, भारतीय दर्शन की पाश्चात्य परंपरा के या भारतीय परंपरा के अंतर्गत नैतिकता, शुभ अशुभ, दुख सुख, अच्छा बुरा का संबंध किससे है, तो आचार मीमांसा, मूल्य मीमांसा, ये मूल्य होते हैं जीवन के। ऐसे यूरोपीय दर्शन के या पाश्चात्य दर्शन के जो तीन महत्वपूर्ण सिद्धांत, पांच सॉरी, वो उन पर काम कर रहे हैं हम। ये तीन तो वहां पर है, यूरोपीय दर्शन के पांच तत्व थे, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा, ये तो ठीक ही था, इसे मूल्य मीमांसा लिखता है। दो एक्स्ट्रा कौन है अगर आपको याद रखना है तो ये है वो दो एक्स्ट्रा, क्या क्या, एक तो तर्कशास्त्र, लॉजिक। तर्कशास्त्र में क्या, सत्य का अध्ययन तर्क बेस पर, निर्णय के तरीके और परिकल्पनाएं और परिभाषा, ये सब तर्कशास्त्र के अंतर्गत आता है। और लास्ट था पांचवा सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक्स, कर्तव्य की प्रकृति किस टाइप से है, मापदंड पर चर्चा करना, ये सब सौंदर्य शास्त्र में आता है। मतलब आप कर्तव्य कर रहे हैं तो आप किस तरीके, जैसे आप एलटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी भावना क्या है इसके अंतर्गत, सच्ची भावना से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या कई चीज़ें इसमें आती है। कर्तव्य का तरीका क्या है उसका, कितनी जल्दी कोई सिलेक्शन लेता है, कोई पीसी क्यों ले पाता है, ये सब सौंदर्य शास्त्र के पार्ट है। तो ये थे वो दर्शन के पांच और तीन शाखाएं। अब आ रहा है दर्शन के स्वरूप, खासकर पाश्चात्य दर्शन के स्वरूप, आदर्शवादी आइडियलिज्म है, आइडियोलॉजी को आधार मानते हैं, प्रकृतिवादी नेचर को मानते हैं जो, और प्रयोजनवादी प्रैग्मेटिज्म या व्यवहारवादी कहते हैं इनको हम लोग। ये आध्यात्मिक क्रिया पर बल देते हैं, आदर्शवाद वही है आध्यात्मिक क्रिया पर बल, ये प्राकृतिक क्रिया पर बल देते हैं जो नेचर में हो रहा है अपने आप ही, प्रकृति ही सर्वे सर्वा है, प्रकृति आदि और अंत है, प्रकृति में सब कुछ जिंदा है प्रकृति को लेकर, है ना। प्रयोजनवादी है, सामाजिक क्रिया को आधार मानते हैं, समाज में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा या समाज से जो आपको सीख मिल रही है। तो वैसे आदर्शवादियों की जो विचारधारा है ये है, मनुष्य आत्मधारी प्राणी है। प्रकृतिवादी कहते हैं मनुष्य मनोशारीरिक प्राणी है, और प्रयोजनवादी कहते हैं मनुष्य सामाजिक प्राणी है। ये आपको बहुत फेमस स्टेटमेंट है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है प्रयोजनवाद का। तो ये प्रयोजनवाद के तीन सॉरी दर्शन के तीन स्वरूप थे, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद। आगे चलकर यही सिद्धांत आने वाले हैं। अब जो हमारा इसका सेकंड पार्ट है, शिक्षा तथा दर्शन के बीच संबंध, है ना, तो रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी। तो ऐसे शिक्षा क्या है, कोई कहे आपसे तो, शिक्षा जो हम काम कर रहे हैं वो है अभ्यास कार्य हमारा, है ना, क्रियात्मक पक्ष है शिक्षा। और दर्शन क्या है, सैद्धांतिक पक्ष, जो हमारा चिंतन है, मनन है।
और ये विचारात्मक पक्ष है, दार्शनिक पक्ष होता है। तो शिक्षा क्या है? तो अभ्यास कार्य, क्रियात्मक पक्ष है। दर्शन क्या है? तो सैद्धांतिक पक्ष या विचारात्मक। और स्टेटमेंट जो महत्वपूर्ण होते हैं उनको एक बार रिवाइज करता हूँ। स्टेटमेंट है पहले, शिक्षा तथा दर्शन एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है जेएस रॉस का। और सिक्का तथा दर्शन, सिक्का उन्होंने एक और राष्ट्रीय चिन्ह, जैसे एक सिक्का आपके पास जिसके एक और राष्ट्रीय चिन्ह लिखा हुआ है और वो मैं शिक्षा की बात कर रहा, दूसरी ओर मूल्य, उसमें मूल्य लिखा हुआ है। एक सिक्के के दोनों ओर एक तरफ राष्ट्रीय चिन्ह बना हुआ है, एक तरफ उस सिक्के का खुद का मूल्य लिखा हुआ है। तो मूल्य दर्शन है, कह रहा है विचार है, जिससे हमें लगता है हाँ इस सिक्के को हम उठा लेंगे तो इसकी वैल्यू से हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर सिक्के में कुछ नहीं लिखा होगा, उसका अंक नहीं लिखा होगा, तो हमें उसकी कोई महत्ता पता नहीं चलेगी। तो सिक्के में जो अंक लिखा हुआ है वो है उसका दर्शन। और जबकि सिक्के में जो चिन्ह बना हुआ है, जो मार्क बना हुआ है, वो हमारी राष्ट्रीयता का प्रतीक है, वो हमारी शिक्षा है। अगर उस पर हमारा राष्ट्रीय चिन्ह बना है अशोक की लाट, तो हम समझ गए कि हमारे राष्ट्र का प्रतीक है, ये हमारी शिक्षा है। और दर्शन क्या है? उससे में लिखे हुए अंक, जिससे हम उसकी मूल्य समझ रहे हैं, उस सिक्के का मूल्य समझ रहे हैं। तो वो है शिक्षा और दर्शन, मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और जो दोनों अपना अपना महत्व रखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था। दूसरा स्टेटमेंट आ रहा है, दर्शन सार्वभौमिक विज्ञान है और दर्शन के पास छुट्टियां मनाने का समय नहीं है। और बहुत इंपॉर्टेंट सा स्टेटमेंट लग रहा है, फिर से इसको थोड़ा सा और छोटा सा करता हूँ। ये है, दर्शन सार्वभौमिक विज्ञान है और उसके पास छुट्टियां मनाने का समय नहीं है। ये स्पेंसर का स्टेटमेंट है। इन्होंने क्रमबद्ध सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में ख्याति प्राप्त की थी। अगर अलग से पूछे क्रमबद्ध सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो वह है स्पेंसर। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एजुकेशन इंटेलेक्चुअल मॉरल एंड फिजिकल, 1862 में। तो स्पेंसर की जो बुक है उसका नाम है। और किसके प्रतिपादक हैं? क्रमबद्धता, क्रमबद्ध सिद्धांत के प्रतिपादक। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। दर्शन अपने सामान्य रूप में शिक्षा का सिद्धांत है। यह है जॉन डीवी का स्टेटमेंट। तीन स्टेटमेंट के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट दिख रहा है वो है, शिक्षा दर्शन का गतिशील पक्ष है और दार्शनिक विश्वास का सक्रिय पहलू है। यह है एडम्स का स्टेटमेंट। और अगर खाली ऐसे पूछे शिक्षा दर्शन का गतिशील पक्ष है, तो ये जेम्स रॉस का भी स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट याद रखना, रॉस का भी है शिक्षा दर्शन का गतिशील पक्ष है, और एडम्स का भी है शिक्षा दर्शन का गतिशील पक्ष और दार्शनिक विश्वास का सक्रिय पहलू है। तो दोनों स्टेटमेंट चलेंगे, ठीक है। तो ये दर्शन और शिक्षा की बात कर रहा था मैं, शिक्षा और दर्शन में संबंध की बात कर रहा था। और इसी में जो मैंने इसके स्वरूप बताया आपको दर्शन के, उसी के अंतर्गत जो यहाँ पर सेकंड पार्ट दिख रहा होगा आपको, प्रकृतिवाद दिख रहा होगा, क्योंकि इसके लिए एक अलग से क्लास आपके सामने रखने वाला हूँ मैं। लेकिन ये प्रकृतिवाद आया कहाँ से? तो यहाँ पर से आया। देखिए, दर्शन के स्वरूप में प्रकृतिवादी, आदर्शवादी और प्रयोजनवादी, और भी बहुत सारे इसके पार्ट हैं, वो सब हम कवर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट पार्ट मेरा रहेगा प्रकृतिवाद और रूसो, उनके बारे में एक साथ। तो उम्मीद करता हूँ आज की जो स्टार्टिंग क्लास थी आपके सामने जो मैंने रखी है, वो आपको कुछ न कुछ लाभ देगी, लाभान्वित करेगी। और आगे भी इस प्रकार की क्लास आपके सामने रखते रहूँगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।